महाशिवरात्रि पे एनटीवी के शो के प्रमुख कलाकारों भाभी जी घर पर है कि विभूति नारायण मिश्र उर्फ आसिफ शेख और अनीता भाभी उर्फ विदिशा श्रीवास्तव ने आज अपने गृहनगर वाराणसी पहुँच के सीरियल के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव महोत्सव में भाग लिया। वहीं वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एनटीवी शो भाभी जी के घर पर है में विभूति नारायण मिश्रा की भूमिका निभा रहे आशीष शेख और अनीता भाभी की भूमिका निभा रही विदिशा श्रीवास्तव से जयदेश न्यूज के एंकर सोनाली बटवा से खास चीज बात करते हुए अपने विचार को व्यक्त किया। देखिए यह खास बातचीत। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज जी। आपको बता दें कि एनटीवी के स्टार भाभी जी घर पे शो की स्टार हमारे साथ यहाँ पर विदिशा जी हैं, एज अ कैरेक्टर अनीता प्ले करती हैं वो शो में। आइए उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि काशी की ही रहने वाली हैं और बनारस में आई हैं 9 साल अपने पूरे होने शो के। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, शो की जर्नी कैसी रही। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनारस आए हैं तो स्वागत है आपका बनारस में। आप यहाँ की ही रहने वाली भी हैं, जानना चाहेंगे सबसे पहले 9 साल पूरा हो गया शो का, आपने भी 2 साल हुआ ज्वाइन किया हुआ, कैसी जर्नी रही आपकी और क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी जर्नी रही है। 2 साल की जर्नी छोटी ज़रूर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सालों साल से इस शो के साथ जुड़ी हुई हूँ क्योंकि जिस तरह से दर्शकों ने मुझे प्यार दिया, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नई आई हूँ इस शो में, या मेरे सह कलाकारों में भी जिस तरह से मुझे हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा लगा कि मैं शो का हिस्सा हमेशा से रही हूँ क्योंकि शो भी इतना दर्शकों में फेमस है कि आप जानते हो उस शो के बारे में, इतना देख चुके इस शो को कि आपको एक हिस्सा से बन जाते हो, और मैं तो कर रही हूँ ये इतना बड़ा कैरेक्टर, तो बहुत ही अच्छा लगा। और 9 साल की जर्नी अब तक की रही है, मेरी भले 2 साल की रही है लेकिन 9 साल की जर्नी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहीं भी रुकने वाली है ये जर्नी। ये लंबी बहुत ये जर्नी बहुत लंबी है और बहुत लंबी जाएगी। मैम, अगर बात की जाए तो आपके इस कैरेक्टर का जो आर्टिस्ट थे वो पहले यहाँ पर रह चुके थे, फिर आपने रिप्लेस किया, कितना टफ रहा उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर अपने हिसाब से एक कैरेक्टर को प्ले करता है, और पहले जो कैरेक्टर जिस भी एक्टर ने प्ले किया, जिन्होंने भी प्ले किया, उन्होंने अपने हिसाब से प्ले किया, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, और मैं कोशिश करती कि मैं अपना जो भी बेस्ट है वो दूँ यहाँ इस कैरेक्टर को। अगर दर्शकों का प्यार मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, किस तरह अगर कोई स्टार की बात की जाए आपकी तो कैसी है, मतलब आप लोग की बॉन्डिंग है? मेरे सह कलाकारों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है क्योंकि एनटीवी के स्टार की विदिशा श्रीवास्तव से बात हुई थी जो काशी की रहने वाली भी है और एनटीवी भाभी जी घर पे शो की एक स्टार भी हैं, 2 साल से काम कर रही हैं और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताया। आज बनारस में आई हैं क्योंकि 9 साल पूरे हो चुके हैं उनके शो के और उन पर उन्होंने चर्चा भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी उन्होंने बात की हमसे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ सोनाली पाटवा, जयदेश न्यूज़।